की रामनवमी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और वहाँ पे लगातार 107 कर दिया जा रहा है। वैसे वैसे लोग पे जिसका अनुसंधान भी नहीं हुआ है, जिसका चार्जशीटेड भी नहीं हुआ है, तो आप 107 किस पे करते हैं? जो चार्जशीटेड है, किसी केस में चार्जशीटेड है तब करते हैं, लेकिन आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। एसडीओ का नोटिस, एसडीओ हजारीबाग का नोटिस 100 लोगों पे जा रहे हैं, कई हज़ार लोग पे 107 कर दिए जा रहे हैं। इससे परेशानी बढ़ रही है। विधानसभा क्योंकि स्थगित है तो मैं 4-5 दिन से कोशिश कर रही हूँ इसको शून्यकाल के माध्यम से बोलने का, लेकिन शून्यकाल 4-5 दिनों तक नहीं चली थी। तो आज आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार के संज्ञान में एक बात डालना चाहती हूँ कि जिस तरह से रामनवमी जैसे त्यौहार जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, हमारे राज्य में लोग दूर दूर से आते हैं, हजारीबाग में लोग दूर दूर से आते हैं, हम लोग बचपन से वहाँ पर रामनवमी देखने के लिए उस गली में उस रोड में हम लोग रात भर बैठ के देखने का काम करते थे, आज भी और हर साल हम लोग वहाँ पे अपना घूमने का काम करते हैं। पिछले बार की क्योंकि कोविड के हवाले वहाँ पे बहुत धूमधाम से रामनवमी नहीं मना गया था, तो बहुत सारे लोगों का भावना को ठेस पहुँचा था, लेकिन क्योंकि डीजे अगर कुछ भक्ति वाले गीत में अगर बन सकता था, अगर ये ये रामनवमी को जो हमेशा से इतने शान शौकत से किया जाता है वहाँ पे, इतने धूमधाम से किया जाता है, तो ये फीका ना पड़े उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूँ कि वहाँ के जनभावनाओं के अनुरूप, जो हमारी सरकार जनभावनाओं के अनुरूप ही काम करती है और करना चाहती है, मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि जो हमारे हजारीबाग में इतना धूमधाम से पूरे जिले भर में, मेरे बड़का गांव क्षेत्र में, केरेडारी क्षेत्र में जो धूमधाम से रामनवमी हर साल मनाया जाता था, कहीं ना कहीं कोरोना के टाइम के बाद से रामनवमी वहाँ पे पूरा फीका पड़ गया है। तो क्योंकि हम कोरोना से निकल चुके हैं और इस बार रामनवमी वहाँ पे लोग ये आस देख रहे हैं कि इस बार फिर से वो गीतों से या फिर भक्ति गीतों से वहाँ पे फिर से रामनवमी का गूंज हो, तो आग्रह करते हैं कि कुछ भक्ति गीतों के साथ कंडीशन लगा के कि ऐसे वैसे गानों का जो एनटीपीसी के खिलाफ धरना में बैठने चाहिए थे उनके ऊपर 107 है, ये कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन का एक मौका मिल गया है और 107 चार्जशीटेड लोग भी करते हैं, ना कि आप कल केस किए और आज 107 कर दें। 4 दिन पहले कुछ लोगों पे केस हुआ है, मतलब इसी लोगों पे 4-5 दिन पहले केस हुआ है। आप जान रहे हैं कि एनटीपीसी के विरोध वहाँ पे धरना प्रदर्शन 1 महीने से चल रहा था, तो लगातार सीरीज में 12-13 केसेस हुए 200 लोगों में, अब उसमें से ही लोगों को उठा के 107 कर दिया जा रहा है, तो प्रशासन को न्यूट्रल रहने की जरूरत है। आप 107 भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों पे कर सकते हैं जो चार्जशीटेड, अब उन लोगों पे चुन चुन के कर रहे हैं जो चार्जशीटेड के लिए अनुसंधान